और आज है 26th of January और इस 26th of January रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में आप बोल सकते हो मैं बहुत ज्यादा ही आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आई हूँ। एक्चुअली आज मॉर्निंग में मैं फ्लैग होस्टिंग के टाइम में जब गई थी तो मैंने ये कुर्ता अपना डाला हुआ था, तो आप देख सकते हो मेरा ओवरऑल मेरा लुक, मैं सेम इसी गेटअप में गई थी तो लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बोला कि आप ये कुर्ते कहाँ से लिया आपने, आप पे बहुत एलिगेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ऑफिस वेयर के लिए। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मैंने रिसेंटली ना बहुत सारी चीज़ें मैंने ना चिकन वॉक की अच्छी चीज़ें मैंने ऑर्डर किया था रिसेंटली, मैंने बाय किया अपने लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि अगर बहुत सारे लोग के ये भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि आप अपने ड्रेसेस कहाँ से लेते हो, कैसे लेते हो, इंडियन वेयर में आप क्या पहनना पसंद करते हो। तो मैं इंडियन वेयर में आप मुझे सच बोलो तो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ ये कुर्तीज़ पहनना, और स्पेशली चिकन वर्क की कुर्तीज़ की ना बात ही नहीं डाली है यार आप, मतलब उसमें क्लास ही कुछ अलग है। आप जब पहनोगे ना तो आप खुद में एक कॉन्फिडेंस फील करते हो, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट फील हूँ, एकदम कड़े कड़े से होते हैं ना ये बाजू वगैरह सब कुछ, और आप ये कुर्ती देख के आप सक सकते हो कि इसमें एक जगह भी ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसमें आपको लगे कि आप उसमें उंगली भी रख सकते हो कि आपको उसमें वर्क ना हो। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा चलो मैं एक एक करके बता रही थी, तो मेरे को लगा चलो क्यों ना मैं स्पेशल वीडियो ही बना लेती हूँ आप सबके लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरी कुर्तीज मुझे जरूर बताइएगा, और भी मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं कुर्तीज के जो मैंने रिसेंटली बाय किए हैं, तो मैंने बोला क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ वो सारी चीज़ें, तो मैं वो आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो मैं जहाँ से ये ऑनलाइन परचेस करती हूँ मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, आप किसी भी साइट पर जाओगे ना ऐसी कुर्तीज आपको नहीं मिलेगी, मतलब ऐसी कुर्तीज ऐसा मतलब किसी भी, मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन फेमस ब्रांड के जो आप परचेजिंग आप करोगे ना तो भी आपको इस रेंज में इस क्वालिटी के कपड़े नहीं मिलेंगे। मैं इसके पहले भी मैं यहाँ से 2-3 बार से ले रही हूँ और मुझे सच बताओ मुझे क्वालिटी वाइज धुलने के बाद प्रेस के बाद मतलब कपड़े और अच्छे हो जाते हैं, मतलब ख़राब नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं आज क्या क्या लेके आई हूँ अपने स्पेशल न्यू बाय में चिकन वॉक के लिए। और अभी हमारे पास कैसा हो रहा है ना कि शिवरात्रि आ रही है, छठी पूजा आ रहा है, होली आ रही है, तो हमारे तो फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, स्पेशल गर्मियाँ आ रही हैं, तो क्यों ना हम लोग चिकन वर्क का पहनने का कुछ बात ही अलग है। तो चलिए इन सब बातें को छोड़ते हुए हमें स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको शो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है अभी चिकन वर्क में रिसेंटली। सबसे पहले आप मेरे ये कुर्ती देखें, छोड़ो और सारी चीज़ें, मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहती हूँ ये मेरी कुर्ती, कुर्ती की आप लेंथ देखो कितना अमेजिंग है। आप लखनऊ जाओगे ना तो भी आपको ये वर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं लखनऊ जाती थी, वहाँ के भी रेट, और हम लोग जो नए लोग जाते हैं तो बहुत बार्गेनिंग करते हैं, वो लोग को पता चल जाता है कि हम लोग आउटसाइडर्स हैं तो उन्हें बहुत निगोशिएट करना पड़ता है। तो मुझे ना जब से मैं यहाँ से परचेज करूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तो फाइन मतलब बेस्ट 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 आप बोलोगे, मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप इसके इनके हैंड्स देख सकते हो, क्वार्टर है मेरा ये हैंड क्वार्टर है, और कलर का तो पूछना ही नहीं, कलर तो गिरते भी नहीं है, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वर्क का बहुत अच्छा है। अगर आप चिकन वर्क आप जानते होगे तो आपको देख के लगता ही होगा कितना फाइन वर्क किया हुआ है चिकन का, आप देख सकते हो साइज परफेक्ट है, आपको सारे साइजेस में अवेलेबल है, और इस कलर वर्क में आप बोलो तो आपको 7 कलर्स अवेलेबल है, तो आपको साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मेरा कॉटन फैब्रिक है, आपको जॉर्जेट फैब्रिक मिलेगा, आपको मतलब जो फैब्रिक ढूंढने हुए ना है, साड़ी सूट दुपट्टा प्लाजोज, आप जितना रेंज आप वास्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि एक जगह पे आपको इतनी चीजें चिकन वर्क के सिर्फ मिलेंगी। साड़ियों का भी यार अमेजिंग कलेक्शन है, मैं क्या बोलूँ, मैं अमेजिंग बोलूंगी ना आप थक जाओगे सुनते सुनते, इतना अच्छा है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, तो आपने ये कुर्ती मैंने आप लोगों को दिखाया, ये ऐश कलर की कुर्ती है, बहुत एलिगेंट है, मैं आज पहनी थी यार मुझे काफी रिच फीलिंग आ रही थी, मतलब सब लोग को यही लग रहा था यार ये कितना खूबसूरत कुर्ता है यार अमेजिंग। और मैं सेम इसी गेटअप में रेडी होके गई थी, तो आप सोच सकते हो ना कितना अच्छा लग रहा होगा। और मैं सेकेंड आपको पीस दिखाती हूँ, सेकेंड पीस ये मेरा पिच कलर का कुर्ता, सेम इसका भी वही है, वर्क इज वेरी फाइन, अब लिटिल बिट्स ऑफ वर्क का डिफरेंस आएगा लेकिन सारे वर्क थोड़े थोड़े डिफरेंट है। और ये देखो फिनिशिंग आप देख सकते हो, आप पीछे से भी अगर मैं फिनिशिंग दिखाऊँ ना तो आपको कहीं भी टूटे हुए धागे आपको नहीं दिखेंगे, आप देखो अमेजिंग है, मतलब आप पहनोगे ना तो खुद में ही फील आता है यार इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है,
आप देख सकते हो, नेक भी आप देख सकते हो। अगर मैं बैक दिखाऊं तो बैक का भी है। आपको इसमें इसके साथ इनर्स चाहिए तो आपको इनर्स भी वहां पे मिलेंगे। और मैं इन सारे कुर्तीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फोन नंबर मैं दे दूंगी, आप मेरा सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये पिच कलर अभी गर्मियों में जो आने वाला है ना ट्रेंड, बहुत मजा आने वाला है। देखो मैंने स्टिकर्स तक नहीं निकाले हैं अभी, मैं अभी निकाल रही हूँ। थर्ड कुर्तीज, ये ग्रीन इज इन डिजाइन, फाइन कपड़ा, और आपको इसका वर्क देखो ना कितना प्यारा है यार। मतलब आप किसी से किसी का कंपेयर ही नहीं कर सकते, कलर्स में भी, चाहे वर्क में भी, या किसी चीज में। आप ये देखो फाइन कितना रिफाइन है, एक जगह आपको एक्स्ट्रा थ्रेड आपको नहीं दिखेगा पूरे वर्क में, एक भी एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं है, एक भी एक्स्ट्रा आपको कुछ भी, मतलब कहीं कहीं मुड़े नहीं है, कहीं कपड़े में कोई डिफेक्शन नहीं है। आपको हैंड इसके बहुत अच्छे मिलेंगे, ये देखो हैंड पे इस लेंथ का, आप गर्मियों में पहनेंगे बहुत अच्छा, ठंडियों में पहन सकते हो, मानसून वेदर में पहन सकते हो। मतलब आप मैंने तो देखा यार, मेरी जो पुरानी, मैंने जो हीरोइंस को मैं फॉलो करती हूँ वो लोग भी चिकन वॉक के वो लोग भी बहुत पहनते हैं, चाहे आप किसी भी हीरोइन को आप फॉलो करो। एक देखो, आप किसी के घर भी पहन के जाओगे ना यार, तो आपको रिच फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि यार आप कुछ पहन के गए हो। और मैं आपको थर्ड दिखाऊं तो ये है माई येलो वन, ये तो बसंत पंचमी में पहन लोगे ना तो इस आपसे खूबसूरत कोई नहीं लगेगा। मैं तो कंट्रोल करूंगी, कर नहीं पाऊंगी, मैं तो अभी फिर ये सारे पहन लूंगी और फिर मैं अपने ना बसंत पंचमी के टाइम पे, सरस्वती पूजा के टाइम पे मैं और भी ऑर्डर करने वाली हूँ अपने लिए। इतना फाइन कपड़ा कौन देता। ये येलो कलर में आपको 7 कलर्स मिलेंगे, ग्रीन कलर में आपको 7 कलर्स मिलेंगे, पिच कलर में आपको 7 कलर्स मिलेंगे, और ये एश कलर में भी आपको 7 कलर मिलेंगे। और दुपट्टा भी आप अगर बोलो ना तो लेंथ वाइज मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी अच्छी है, और मैंने भी ये उन्हीं से मंगाया है। ये दुपट्टा भी मुझे, ये मैं ऑनलाइन भी गई, ऑनलाइन भी मैंने चेक किया, वो काफी एक्सपेंसिव थे दुपट्टे, मैंने फिर स्टोर में देखा, मॉल में देखा, मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन ये दुपट्टा इतना हेवी है ना, ये देखो अगर मैं दुपट्टे की लेंथ दिखाऊं, इसकी हेवीनेस दिखाऊं, एक छोटा सा चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दुपट्टा, ये दुपट्टे का भी आप हेवीनेस देख सकते हो। देखो आप 5'5" हो, 5'6" हो, 5'7" आप किसी भी हाइट की हो, आपको ये दुपट्टा छोटा नहीं पड़ने वाला। आप देखो व्हाइट दुपट्टे तो हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी व्हाइट दुपट्टा, ये देखो लेस लगा हुआ, ये आपके कुर्तीज के साथ इतना अमेजिंग जाएगा। अगर आप एक व्हाइट दुपट्टा लेते हो तो आपके पास 3-4 कुर्तीज के पास चले जाएंगे। और सारी चीजों में आपको 7 कलर्स अवेलेबल है, ये तो आपके पास कुछ ऑप्शंस मैंने अभी नहीं दिखाया, उनके पास जितने कलेक्शंस है, जितना कलेक्शन है उनके पास उतना तो मैंने आपको अभी, मेरे पास है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये मेरे एक मैंने ऑर्डर किया था प्लाजो अभी काफी ट्रेंडी चल रहा है, तो मैंने अपने लिए एक चिकन वर्क का एक प्लाजो भी ऑर्डर कर लिया। प्लाजोज ये मेरे चारों कुर्ते के साथ जाएंगे, तो मैंने एक ही ऑर्डर किया है। पटियालास भी मिलेंगे आपको, चिकन वर्क के पूरा ओवरऑल दुपट्टा, सूट दुपट्टा, पटियाला और सूट भी मिलने वाले हैं। मतलब आप बस रेंज चेक करो, उनके पास कितने रेंज ऑफ चिकन वर्क है। आप ये देखो चिकन वर्क का प्लाजो, हर साइज आपको, सारे साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल, आपको सारे साइजेस अवेलेबल हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी, कुछ भी क्वेरीज होगी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आप लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और मैंने इसको पेयर अप किया है, ये वाला मैंने एंकल लेंथ के साथ, मैं इसके साथ लेगिंग्स पहनती हूँ, मैं इसके साथ पटियाला पहनती हूँ, मैं इसके साथ प्लाजो पहनती हूँ, मैं इसके साथ किसी भी चीज के साथ मैं पहन सकती हूँ। और मुझे जो रिच फीलिंग आती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और देखो मैंने इस पे पहना है ये जूती, चल किटी पाची, किसी के घर में कुछ फंक्शन है, हल्दी है, मेहंदी है, अगर हल्दी वगैरह में भी आप अगर ये पहनोगे, सिर्फ अगर आप ये येलो वाला पीस पहन लोगे ना, और इसके साथ आप प्लाजो या सरारा भी उनके पास अवेलेबल है, और इसके साथ एक दुपट्टा ले लोगे ना, तो जो लुक आने वाला है ना आपको एक्सपेंसिव साड़ी भी, वो लुक नहीं दे पाएगा। मतलब मैं क्या बताऊँ, ये देखो वर्क भी पीछे अमेजिंग है यार, अमेजिंग है, इतने खूबसूरत कलर जितने आपको चिकन वर्क में मिल जाएंगे ना, उतने खूबसूरत कलर आपको कभी नहीं मिलने। और अभी भी हमारा फेब आ रहा है, फेस्टिवल्स हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, होली आ रही है हमारी, सरस्वती पूजा है, शिवरात्रि, मतलब हमारा फेस्टिवल्स अभी स्टार्ट होने वाला है, गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, गर्मियाँ। तो मैं चलिए मैं एक एक करके मैं सारे कुर्तीज मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, तो आपको एक्चुअल
ओरिजिनल लुक आएगा, जैसे आपको इसका आ रहा होगा ना, तो मैं चाह रही हूँ मैं सारी चीज़ें, मैं सारे कुर्तीज एक बार मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने येलो वन वाला पहना, येलो वाला इतना खूबसूरत लग रहा है ना, येलो येलो पे वाइट वाइट शेड के वर्क, और लखनऊआ वर्क चिकन वर्क की तो बात ही अलग है। ये मतलब एक रिच फीलिंग आती है, और हमारे इंडियन ट्रेडिशन के ना एक वर्क ना धरोहर है इसको आप बोल सकते हो, तो ये पहन के ना मज़ा ही आ जाता है। और ये पूरा का पूरा वर्क जब आप पहनते हो ना, तो किसी कारीगर के ऐसा लगता फील होता है ना यार, किसी कारीगर ने इस कुर्ते के पीछे कितना मेहनत किया होगा, तो वो फील आता है ना, वो रिच फीलिंग आती है ना, मैं बता नहीं सकती। इसको बनने में कितने कितने दिन लगते हैं, जब आप पे साइज कितना परफेक्ट है, इसका वर्क कितना परफेक्ट है, अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है जब आप कुछ लेते हो और वो अच्छा रहता है, सबके साथ शेयर करते हो ना, तो बस कुछ नहीं होता है। ये ग्रीन, इसका जो स्लीव्स है ना, ये फुल स्लीव्स है, आप देख सकते हैं ना, ये फुल स्लीव्स वर्क भी इसमें, फुल स्लीव्स में भी वर्क है। मैं इसको प्लाजो पे भी आपको दिखाती हूँ, इसका वर्क देख लो, इसका भी वर्क इतना फाइन है। मतलब आप 5 लोग 7 लोग, लेकिन किसी का भी फैब्रिक आपको खराब नहीं मिलेगा, मतलब फैब्रिक ऑसम होने वाला है। एलिगेंट लग रहा है, आप इसको अपनी मम्मी के लिए ले सकते हो, मौसी के लिए, काकी के लिए, ताई के लिए, मतलब इसका कोई रेंज नहीं है। ये स्कूल गोइंग गर्ल, कॉलेज गोइंग गर्ल, ऑफिस गोइंग लेडी गर्ल, कोई भी पहन सकती है यार, इसका कोई रेंज ही नहीं है। इसका ये भी नहीं है कि ये नहीं पहन सकती, इसका कोई क्राइटेरियाज नहीं, मेरी शादी नहीं हुई तो नहीं पहन सकती, मेरी शादी हो गई तो मैं ये नहीं पहन सकती, इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। मतलब 90 साल के लोग भी पहन सकते हैं और 9 साल के भी लोग पहन सकते हैं, चिकन वर्क का बात वो है। देखिए मैंने इसके साथ प्लाजो किया है और दुपट्टा मैंने ऐसे लिया है, ऐसा लग रहा है मैं किसी शादी में जा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा है इसका वर्क दुपट्टा, प्लाजो का भी आप फिटिंग देख सकते हो, प्लाजो के आप वर्क देख सकते हो, हैंड कितना फिटिंग इसकी प्यारी है, ब्यूटीफुल सा ये पूरा, ये पूरा ड्रेस ही है ब्यूटीफुल। मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सारे उनके जो भी रेंज है आप उनमें देख लेना, शिफॉन है, जॉर्जेट है, और साड़ीज है, प्लाजो है, कुर्ती है, सराराज है, गराराज है, और स्टिच किए हुए सूट पटियाला और दुपट्टा है। मैंने भी अभी कुछ ऑन द वे भी है मेरे कुछ चीज़ें, तो मैं वो भी आएंगे तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये तो अमेजिंग है, ये चीज़ें मैंने बोला वो आने तक मैं कितना वेट करती, तो पहले मैंने यही शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। बहुत ही प्यारा है, हैंडवर्क की बात ही कुछ और है। आप कुछ भी पहन लो, जरी पहन लो, एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव से ड्रेसेस, और इस रेंज में मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, ना आपको शॉप में मिलने वाला है, ना आपको जो ब्रांडेड, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन ब्रांडेड ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपको नहीं मिलने वाला है। मैंने भी कंपेयर किया, ये जो इनसे आप जो लोगे ना रेंज में, बिलीव नहीं करोगे आपको कितने डिस्काउंट पे मिलने वाला है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप कुर्तीज़ के, चिकन वर्क के कुर्तीज़ के आप रेट जानते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि वो किस रेट में आप इसको परचेस करें। मतलब आप हमेशा ही यहाँ से परचेस करने के बाद आप विन विन ही सिचुएशन में आप रहने वाले हो, और 100 लोग आपसे पूछने वाले कि आपने लिया कहाँ से। तो बस मेरा यही था, मैंने 4 कुर्ती रिसेंट परचेज मैंने जो किया मैं आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं आपसे सारी कुछ शेयर करती हूँ, तो क्यों ना मैंने बोला कि मैंने ये अपने लिए पर्सनली कुछ परचेस किया है तो मैं वो भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मेरा ये चिकन वर्क की मेरा कलेक्शन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एवरीथिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट हो इन माई कमेंट सेक्शन, मैं आपके सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई करूँगी डेफिनेटली, तो डेफिनेटली जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। तो बाय।